भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि काल भैरव, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन हमेशा करता रहा हूं। उन्होंने काशी को धार्मिक नगरी बताते हुए कहा कि हम जब भी यहां आते हैं हमें नई ऊर्जा मिलती है। साथ ही उन्होंने समाज के मंगलमय की कामना की। नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि मोदी का 400 पार का सपना सफल होगा। दर्शन, संकट मोचन दर्शन ये हमेशा करता हूं। काशी हम सब जानते हैं कि धार्मिक नगरी है और सनातन की एक तरीके से पोषक नगरी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हमेशा हम सबको जब भी यहाँ आते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुणों का के जय हो और समाज मंगलमय रहे, सभी में सुख शांति रहे और मंगलमय तरीके से देश आगे बढ़े। और आज भी जब मैं आया हूं तो मुझे नई ऊर्जा मिली है। मैं काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करूंगा और उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे।